नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। ये इसका पार्ट वन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये पीडीएफ शेयर करा है हमको अर्चित साहू ने, जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट हैं। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरी बुक को स्कैन करा और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हमारे साथ गूगल ड्राइव पे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो के एंड में आप डिसाइड करिएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर यूजफुल हो तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। आपके एग्जाम में अगर काफी कम समय बचा है तो आपके पास बस केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को रिवाइज करें, जो इस बुक के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस बुक का डिस्क्रिप्शन, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर आपके नियर कोई भी मार्केट है बुक की, वहां पर जाकर के भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पैसों की शॉर्टेज है, रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपने नई नई तैयारी करी थी, जोश खरोश में आपने जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और अब आपके पास काम की बुक परचेज करने के लिए पैसा नहीं है, रीजन कुछ भी हो सकता है, आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी हैं, किसी भी क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कोई एग्जाम एमटीएस का हो या फिर ग्रेड डी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आई होप जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लूसेंट जीके की बुक खत्म कर ली होगी, उनके लिए ये क्वेश्चंस काफी इजी होंगे और इस वीडियो के माध्यम से वो सभी क्वेश्चंस आपके आज रिवाइज होने वाले हैं, अगर आपने सीरियस तरीके से वो बुक फिनिश करी थी तो। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकाल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। दिल्ली शहर किसने बनाया, वो इसकी बात हमसे कर रहा है, ठीक है। दिल्ली शहर किसने बनाया, उस शासक का नाम क्या था या उसका श्रेय किसको जाता है। अनंगपाल, बी वरजात, सी रुदाने, डी देवराज। ये क्वेश्चन देखिए आप एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, 2000 और 2002 का ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनंगपाल। अनंगपाल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। इसकी जो नींव रखी, कब नींव रखी, 736 ईस्वी में लाल कोट की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन देगा, जैसे कि हर एग्जाम में देता है, हर एक क्वेश्चन में आपको देगा, बट आपको राइट आंसर याद रखना है डायरेक्ट अरब। डायरेक्ट आप याद करेंगे अरब और नोट्स बनाएंगे उसमें भी बस इतना लिखेंगे अरब, पहली बार आक्रमण करने वाले शासक। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, डिटेल भी इसमें काफी अच्छी दी गई है। अगर मैं डिटेल पढ़ने बैठूंगा तो शायद वीडियो की लेंथ बढ़ जाए और कम ही क्वेश्चंस कवर हो पाए। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हों और कम समय में। आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईसवी सन में, किस ईसा सन में सिंह पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर है ए, 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर फोर, सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। ये पूछा गया एमटीएस 2013 के एग्जाम में।
एमटीएस का जिनका भी एग्जाम है वो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब काफी कम समय बचा हुआ है। अब इतना समय नहीं है कि आप पहले लूसेंट जीएस फिनिश करें उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चंस को आप वॉच करें। अभी आपके लिए बेहतर केवल इतना ही होगा कि मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप दीजिए, मॉक टेस्ट पे मैक्सिमम फोकस रखिए अपना। कुछ नया पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर टाइम बच रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे कहता है कि महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? इसका राइट आंसर है सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ का मंदिर किस स्थान पर है आपसे अगर ये पूछेगा, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में पूछा गया था क्वेश्चंस। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर 1025 ईस्वी में लूटा गया था। 1018 में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला था। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया था तथा लूट में अपार संपत्ति प्राप्त की थी। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना के आपसे पूछ लेता है कि एग्जाम में कि मैक्सिमम मंदिरों को किसने ध्वस्त करा, तबाह करा, लूटा, तो वो राजा का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि तराइन की पहली पहली जो वॉर हुई थी किनके किनके बीच में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, तराइन की दूसरी वॉर पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? देखिए फर्स्ट वॉर यहाँ पे आपसे पूछी गई थी, पहली लड़ाई तराइन की पूछ रहा है, और दूसरी में कौन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ये करा था मोहम्मद गौरी ने। और अगर पूछे आपसे कि ईयर कौन सा था, साल कौन सा था, पहला जो वार हुआ था वो हुआ था 1191 में, और सेकंड जो वार हुआ था वो इसमें एक्चुअली अभी दिया नहीं है। देखिए इसमें जो ये ईयर है 1191 को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए तराइन का जो फर्स्ट वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1191 में, इसके तुरंत एक साल बाद जो वॉर हुआ तराइन का सेकंड वॉर हुआ था। तो 1192 में कौन सा वॉर हुआ था? तराइन का सेकंड वॉर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एट की ओर। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसने टिपिकल बना दिया, टिपिकल नहीं बस लैंग्वेज को थोड़ा सा इसने घुमा फिरा दिया। अभी हमने देखा था 1192 में, जैसे कि मैंने सेकंड के बारे में बताया था आपको, तराइन के दूसरा जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। यहां पूछ रहा है पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। अब देखिए यहां पर 1191 भी है, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर भी है, थर्ड वॉर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हमसे पूछ रहा है, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने, थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल नियुक्त किया था। 24 जून 1206 को ऐबक ने एक शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका राइट आंसर है तराइन का सेकंड वॉर के बाद में ऐसा हुआ। थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1192 में लड़े गए तराइन के द्वितीय सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करा मोहम्मद गौरी ने कब? 1192 में तराइन के सेकंड वॉर में, उसके बाद में दिल्ली क्षेत्र पर इसका आधिपत्य स्थापित हो गया, इसका अधिकार स्थापित हो गया। किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद गौरी की। तराइन का युद्ध
इन शॉर्ट कंक्लूजन ये निकला है इस अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे हैं कि त्राइन के युद्ध से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड जो भी डेट है वो आप नोट कर लीजिए, कब कौन सा युद्ध हुआ, किसने किसको हराया, किसका युद्ध किसके साथ हुआ, ये बेसिक क्वेश्चंस है। और जिसने लुसेंट जीएस पढ़ी है उसको ये सभी क्वेश्चंस आते होंगे, अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में झोल था, ठीक है, झोल कहूंगा मैं फिलहाल, कहीं ना कहीं कमी रही है कि आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइज करिए उस बुक को और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, इसका राइट आंसर है बेघल भीम, बेघल भीम। क्वेश्चन नंबर 12 मैच मेकिंग करना है, मिलान सही करिए, किसका क्या आंसर है, तो इसका राइट आंसर है सी केवल वन। सुल्तान मोहम्मद घटना है सोमनाथ को लूटना, ये जो है केवल वन जो है ये सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पहले आएगा सी सॉरी पहले आएगा सी मतलब रोमन कोलोसियस का पूरा होना, फिर आएगा बी भारत में गुप्त राजवंश का उदय, फिर आएगा पैगंबर मोहम्मद का जन्म, फिर आएगा पीटर महान रूस का जार बनना, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब बात करते हैं सल्तनत काल की, सल्तनत काल इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा वो देखते हैं हम। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है काल क्रमानुसार रखें इनके शासन को, इन सभी शासक को, इन वंशों को, तो इसका राइट आंसर है डी, पहले आया था इलबारी, फिर आया था खिलजी, फिर आया था तुगलक, फिर आए थे सैयद, फिर आए थे हमारे लोदी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को नोट करिए, इसका राइट आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने बनाया था, इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने, पूरा किया था, फिनिश किसने करा था, काम स्टार्ट हो चुका था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम शुरुआत करी थी लेकिन बीच में उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने इस काम को, इसके मरम्मत का कार्य फिनिश करवाया, तो सारा श्रेय किसको गया लास्ट में, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, इसका राइट आंसर है नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था, राइट आंसर इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 7, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था, राइट आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहाल गानी के विनाश का श्रेय दिया गया था, राइट आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नोरोज का परिवर्तन किसने किया था, राइट आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जिस तरह से अभी क्वेश्चन हमने देखा था, जिस पे मैं हाईलाइट ये कर रहा हूं, तो वो 2017 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने सभी हैं, रीड सभी करने हैं, नोट सभी करने हैं, टाइम लगेगा लगने दो, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ऐसे नहीं कि खाली हाथ गए थे खाली हाथ वापस आए, सॉरी खाली हाथ तो आप वापस नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एमटीएस का आप एग्जाम दे रहे हो, बाकी यहाँ सीजल में जाओगे तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका,
तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, पढ़ के जाइएगा, कॉन्फिडेंस बना के जाइएगा, बेसिक जो क्वेश्चंस है वो पढ़ के जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? राइट आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? एग्जाम में ये भी पूछता है, इसका राइट आंसर है बलबन की। क्वेश्चन नंबर 13 है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? इसका राइट आंसर है गुलाम तथा तुगलक वंश। सबसे पहले कौन आए थे? गुलाम वंश, और बाद में कौन आए थे? तुगलक वंश। सबके काल दिए गए हैं, खिलजी वंश किस कार्यकाल से, किस इनका काल क्या था, कार्यकाल क्या था, गुलाम वंश का क्या था, खिलजी का क्या था और तुगलक वंश का क्या था। आप डायरेक्ट अपने नोटबुक में ये या लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है कि आपसे कि तुगलक वंश का कार्यकाल कितने वर्ष तक का था। आपको चार ऑप्शन देगा, या फिर आपसे पूछेगा कि खिलजी शासकों का कालक्रम क्या था, कितने वर्षों तक उन्होंने राज करा। तो ये सभी साल आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे, उनका नाम क्या, उनका नाम था तुरुक। क्वेश्चन नंबर 15 में, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक बेरोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन था, उसका नाम क्या था? इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसको बोलते हैं सिकंदर सानी। खुद को सिकंदर सानी कहने वाला व्यक्ति कौन था, सुल्तान कौन था? एग्जाम में अगर इस तरह से पूछेगा तब भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ध्यान रखिएगा, मंगोल आक्रमण की बात कर रहा है, सबसे अधिक किसके काल में हुए, किसके शासन काल में हुए? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहता है कि सल्तनत वंश के विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, किसने बनाई थी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जो जवाब है वो है अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर जनरल था किसका? ये था अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को लेकर देखिए रेगुलर कंटिन्यू हमको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी काफी फेमस पर्सनैलिटी है, इसकी डिटेल आप लुसेंट बुक्स में से देख सकते हैं, और लुसेंट की हमने ऑडियो फाइल इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, अगर आप ऑडियो फाइल सुन के याद कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से भी इस बुक का जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये एक बेसिक बुक है, आपके पास होनी होनी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होगी बड़े आराम से आपके आसपास, वहां से परचेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहा है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या किसने करी थी? खिलजी शासक कौन था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी ने। सॉरी, इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा करा था। और ये पूछा गया है एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, मदुरई तक सफलता पूर्वक बढ़ने वाले दिल्ली का जनरल कौन था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मलिक काफूर या मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी किसने करी थी, उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? ध्यान रखिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किस रीजन से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? क्या रीजन था कि मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो गया, एक असफल व्यक्ति का उसको टैग मिल गया हमेशा के लिए, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था वह
वह एक राजनेता नहीं था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना नहीं आता था। बहुत सारी गलतियां वो युद्ध में करता था, युद्ध की कोई रणनीति उसके पास नहीं थी, लेकिन वो युद्ध में सुबह शाम लगा रहता था और अपने आप को दिन रात पराजित करने में अपने आप को एंगेज रखता था। काफी सारी बातें हैं उसको लेकर के, लेकिन आपको राइट आंसर याद रखना है बी। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किस चीज में वो क्या था? निपुण था, वो था दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 28, 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की? तांबे की बात कर रहा है, इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में पूछ रहा हमसे, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा किसने शासन करा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करिए। पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, चौथे पे कौन आया, ढंग से क्रम हमको अरेंज करना है। दिल्ली के सुल्तानों का बात कर रहा है। सबसे पहले आए गुलाम वंश, फिर आए खिलजी वंश, फिर आए तुगलक वंश, फिर आए सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये आप याद कर लीजिए डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट आप ऐसे याद मत करना बच्चों कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 याद करा बस हो गया मुझको आंसर याद हो गया, ऐसा मत करना गलती। ये बच्चों वाले काम मत करना, आपको पैन डाउन करना है ये, क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी कर लेते हैं याद। भाई चैनल में वो बताया गया था, मैंने उनसे सुना था, सब्सक्राइब करा था, इसलिए मैंने याद कर लिया। ठीक है, 4 1 2 3 भूल जाओ, डायरेक्ट आप याद करिए गुलाम वंश कब से कब तक रहा, फिर सेकंड नंबर पे आया खिलजी वंश, थर्ड में आया तुगलक वंश और फोर्थ में आया सैयद वंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? भाई ये पूछ रहा है हमसे, तो इसका राइट आंसर क्या है? मोरक्को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोरक्को हो गया आपका। ठीक है, इबन बतूता हेनसांग किसके शासनकाल में यहाँ पर आया था? ठीक है, हर्षवर्धन। ये सब कुछ बातें होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ हमारे टूरिस्ट थे जो भारत आए थे, कौन से किसके शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, क्या मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब देखिए इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? ये तो आया था मोरक्को से, लेकिन उस टाइम पे यहाँ का भारत का शासक कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इबन बतूता मोरक्को से भारत आया था। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, एक ही लाइन में आपको तीनों चीज मिल जाएगी, मोरक्को, इबन बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे कह रहा है कि मिलान कीजिए, किसका किससे मिलान करना है देखते हैं। चलो ठीक है, किला 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 हौज खास द सिटी ऑफ सीरी। ठीक है, इसका राइट आंसर है, राइट आंसर होगा इसका बी। देखिए अब इसमें एग्जाम में एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुगलकाबाद किला जो था वो जो स्थापित करा था गयासुद्दीन तुगलक ने करा था, लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने, जो कहां पर है? दिल्ली में। हौज खास की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और द सिटी ऑफ सीरी की जो स्थापना करी थी ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप ये सभी के सभी आप याद कर लीजिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक लोधी वंश का पूछ रहा है। ठीक है, स्किप मत करना माइंड से बिल्कुल भी, लोधी वंश के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में बैठते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, आंसर आने के बाद भी गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। बात कर रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बात कर रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है सिकंदर लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोद लोधी ने। सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? ए फारसी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, सूफी और भक्ति आंदोलन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये हमारे इतिहास का पार्ट वन था, मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्पीड बहुत अधिक थी मानता हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड अधिक रखनी पड़ेगी। अगर मैं स्पीड स्लो लेके चलूंगा तो ये बुक कम से कम 500 पेज की बुक है। इस बुक को खत्म करने में मुझे कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। इतना पेशेंस ना आपके पास में है ना ही आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नियर है। स्पीड मुझको लेके चलनी पड़ेगी। तो आप भी मेरे साथ अपनी स्पीड बना के चलिए, मेंटेन करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर प्ले करिए, पैन डाउन करिए। जो क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट करे हैं उनको तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना। आप बस प्लीज ये मत सोचना कि 2000 का क्वेश्चंस अब 2017 में कहाँ पूछा जाएगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, SSC डिपार्टमेंट क्या सोचता है इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। वो प्रीवियस क्वेश्चंस ही उठाएगा आपके एग्जाम में एज इट इज, सेम क्वेश्चंस वो कॉपी पेस्ट करके देने वाला है। लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है। लैंग्वेज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, आपने काफी ईमानदारी के साथ लूसेंट GK बुक खत्म कर रखी है, टाइम बहुत कम है, आपने घटना चक्र बुक भी बुक अगर परचेस कर रखी है तो आप उसको पहले खत्म करिए, ठीक है। GS लूसेंट तो पढ़नी पड़नी है, उसके बाद में घटना चक्र बुक भी खत्म करनी है, तभी आएगा मजा पढ़ाई में, ठीक है, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, ठीक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर। और जिसका एग्जाम आने वाला है MTS का, उसको मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से All the best.